बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं, जिनमें से एक काली और एक गोरी थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वे दोनों बहुत खुश थीं, उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांटकर खाया करती थीं। एक दिन दोनों बिल्लियां दोपहर के वक्त खेल रही थीं कि खेलते खेलते दोनों को बहुत जोर से भूख लग गई। दोनों बिल्लियां भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर काली वाली बिल्ली को एक मछली के मांस का टुकड़ा नजर आया। टुकड़े को देखकर काली बिल्ली बोली, हे भगवान, ये टुकड़ा तो बहुत छोटा है, इससे तो बस मेरा पेट ही भर पाएगा। ऐसा कहकर उसने इधर उधर देखा, कहीं उसकी दोस्त उसे देख तो नहीं रही, और वह झट से उस टुकड़े के पास गई और जैसे ही उसे खाने लगी तो गोरी वाली बिल्ली ने उसे देख लिया और बोली, अरे ये क्या, तुम अकेले ही इतने स्वादिष्ट टुकड़े को खाने लगी, मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांट कर खाते हैं। काली बिल्ली ने दिल पर पत्थर रखकर मछली के मांस के एक टुकड़े को दो टुकड़ों में बांट दिया और दूसरी यानी कि गोरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा बढ़ा दिया। गोरी बिल्ली ने जैसे टुकड़े को देखा वैसे ही बोली, अरे ये क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया, तुम्हारा वाला टुकड़ा मेरे वाले से ज्यादा बड़ा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इस पर काली बिल्ली बोली, मैंने इतनी मेहनत से ढूंढा है इस टुकड़े को, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना। गोरी बिल्ली को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों बिल्लियों का झगड़ा सुनकर एक भालू उनके पास आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा भालू को बताई तो भालू ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। सुनो, जो टुकड़ा बड़ा है उसे मैं खाकर छोटा कर देता हूँ, फिर दोनों टुकड़े एक समान हो जाएंगे, बोलो मंजूर है? दोनों बिल्लियों को भालू की बात जच गई, वो तैयार हो गईं। भालू ने बड़े टुकड़े को खाकर छोटा कर दिया। जब बिल्लियों ने दोनों टुकड़ों को मिलाए तो एक टुकड़ा फिर बड़ा निकला। भालू फिर उस टुकड़े को खाकर छोटा किया। इस तरह से हर बार जो टुकड़ा बड़ा मिला भालू उसे खाकर छोटा कर देता। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं, वो फिर भी चुपचाप भालू के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे रह गए हैं तो वे भालू से बोले, आप रहने दो, अब हम लोग अपने आप मछली के मांस के टुकड़े का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर भालू बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर भालू ने बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिए और बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़ कर रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानने और मिलकर रहें।